एवरीवन, वेलकम है आपका समत किचन में। और आज मैं बना रही हूँ प्रोटीन वीगन सैलेड, जो कि पूरी तरह से प्लांट बेस्ड है, मतलब शुद्ध शाकाहारी। और ये बहुत अच्छी रेसिपी है वेट लॉस के लिए भी। और इसको आप ऑफिस में कैसे ले जाएं कि ये बिल्कुल फ्रेश बनी रहे और लंच बॉक्स में ये बिल्कुल भी पानी ना छोड़े। जनरली होता क्या है, जब हम लंच बॉक्स में कोई भी सैलेड या कोई ऐसी सैलेड पैक करते हैं तो वो बहुत ही पानी छोड़ने लगती है और उतनी फ्रेश और क्रिस्पी नहीं रहती। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगी कि लंच बॉक्स के लिए आप इसको कैसे पैक करें कि जब आप खाएं तो बिल्कुल फ्रेश बनी रहे और आपको बिल्कुल वैसे ही लाजवाब टेस्ट दे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी ट्रिक। तो वीगन सैलेड बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हुए हैं ये अंकुरित चने, काले चने। देखिए, काला चना तो वैसे भी प्रोटीन से भरपूर होता है और अब हमने इसके स्प्राउट निकाल लिए हैं तो ये इसमें प्रोटीन और बढ़ गया, तो इसलिए हम डालेंगे एक कटोरी अंकुरित चने इसमें। और इसी तरह से एक छोटी कटोरी अंकुरित मूंग की दाल, ये पूरी साबुत मूंग की दाल होती है जिसको कि आप रात भर भिगो के रख दीजिए और फिर नेक्स्ट डे उसका पानी निकाल के और सूखे कपड़े में बांध के या फिर ऐसे किसी सूखी जगह पे सूखे बर्तन में करके आप रख सकते हैं, जिससे कि इसके स्प्राउट्स निकल आएंगे। गर्मियों में स्प्राउट्स जल्दी निकलते हैं। और इसमें हम डालेंगे टमाटर, ये हमारी है वीगन सैलेड, इसमें हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे और ये बहुत ही अच्छी सैलेड है वेट लॉस के लिए। आप प्याज डाली इसमें, अब मैंने डाली इसमें ये है हमारे लेटिस यानी कि सलाद के पत्ते होते हैं, ये देखिए ऐसे ये पत्ते होते हैं सलाद के, ये चीज़ें ये पत्ते हैं जो मैंने लिए हैं यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं है तो आप डाल सकते हैं हरी धनिया कटा हुआ या फिर कोई भी और दूसरे पत्ते जो आपकी पसंद हो, तो ये बड़ा इसको क्रंची टेक्सचर देगा। तो मैं थोड़ा डाल लेती हूँ। और इसमें अब हम डालेंगे ये मसालों में है चाट मसाला, एक चम्मच डाल दिया इसमें, इससे बहुत अच्छा इसका टैंगी और अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच कुटा और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, ये डाल दिया। और इसमें हम डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, काला नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको खाना हो, कम ही रखिए क्योंकि हम हेल्दी सैलेड बना रहे हैं, सैलेड में कम नमक खाना चाहिए। और इन सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए हम डालेंगे इसमें नींबू का जूस, आधा नींबू का जूस, इससे इसमें बहुत यमी फ्लेवर आएगा और बहुत बढ़िया बन जाएगा ये। और इसको अब हम अच्छी तरह से कर देते हैं मिक्स। इसमें हम कोई ड्रेसिंग नहीं डालेंगे, इसको बहुत सिंपल रखेंगे और ये बहुत अपने आप में लाजवाब टेस्ट है इसका, बहुत अच्छी है। ऑफिस ले जाने के लिए ये बहुत अच्छी सैलेड है आपकी। ऑफिस में जब कभी स्नैकिंग का टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, जनरली कोई भी जंक फूड कुछ भी खा लेते हैं, कोई कुकी खा लिया कुछ, तो आप इसको ले जाएं और ख़ुद भी बढ़िया खाएं, अच्छा हेल्दी खाएं और अपने साथियों को भी, अपने ऑफिस मेट्स को भी अच्छा खिलाएं। तो ये हमारी वीगन सैलेड तैयार है। इसके अच्छे बहुत सारे वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस में अगर आप इसमें डालना चाहते हैं पनीर तो आप पनीर ऐड कर सकते हैं या फिर आप बॉयल्ड एग्स भी डाल सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सही तरीका सैलेड पैक करने का लंच बॉक्स में ऑफिस ले जाने के लिए। तो एक टिफ़िन में हम अपने स्प्राउट्स और टमाटर प्याज और लेटिस सब मिला के रख देंगे और इसमें रखेंगे काट के नींबू। नींबू को अभी निचोड़ना नहीं है, इसको हम बाद में निचोड़ेंगे, जब आप ऑफिस जाएं और जब खाने का टाइम आए तब आप इसको निचोड़िए। कर देते हैं और एक कटोरी ले लेते हैं। इसमें मिलाया ज़ीरा और इसमें डाला काला नमक और ये लिया मैंने चाट मसाला और इन सबको कर दिया मिक्स। इसको मिक्स कर दीजिए और साथ में इसको एक छोटे से जार में या किसी छोटे टिफ़िन बॉक्स में या किसी भी चीज़ में ये टेस्ट मेकर बना के आप अपने ऑफिस के ड्रॉअर में रख लीजिए। और बस, तो जब भी कभी आप नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे ये आपके पास टेस्ट मेकर रेडी रहेगा ऑफिस में और आप सैलेड एंजॉय कर सकते हैं। ऑफिस की प्रोटीन पैक सैलेड कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है और आपको आइडिया पसंद आया है ऑफिस ले जाने वाला, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो इस सैलेड को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिए, क्योंकि इसमें मैंने डाला है लेटिस और लेमन, दोनों ही वेट लूज़ करने में हेल्प करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे डाइट एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जब भी कभी आप डाइट पे हैं तो एक टाइम में हमको एक अपना मील ज़रूर कच्चे फॉर्म में खाना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सब्सक्राइब करें समत किचन को यूज़फुल टिप्स और स्मार्ट कुकिंग के लिए।